बाईपास सर्जरी हो या फिर डिप्रेशन या फिर नी ट्रांसप्लांट या दूसरी तरह की कोई प्रॉब्लम, अब इन बीमारियों का इलाज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्लस रोबोटिक्स इन दोनों से संभव है, इस पर बेस्ड होता जा रहा है। इससे न केवल धीरे धीरे चीर फाड़ और संक्रमण के खतरे को कम किया जा रहा है बल्कि मरीज की रिकवरी भी तेज हो रही है। और इन इस तरह के ऑपरेशंस के जो आउटकम्स हैं, उनके जो रिजल्ट हैं, उनमें भी सुधार हो रहा है। ऐसे में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि रोबोटिक सर्जरीज ने डॉक्टर्स के काम को कितना आसान किया है, इससे इलाज की लागत पर कितना असर पड़ेगा। इसके अलावा हेल्थ केयर में इनोवेशंस के फायदे पर भी एक्सपर्ट से करेंगे बात। हम एक नए युग में कदम रखने जा रहे हैं, तो फ्यूचर हेल्थ केयर और फ्यूचर जो कि जुड़ा हुआ है हम सब के भविष्य से, वहां पर किस तरह की मेडिकल फैसिलिटीज हमारे पास होंगी, इस पर बात करेंगे थोड़ा सा दूरगामी अप्रोच के साथ। बहुत ही खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ होगा, लेकिन सबसे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। दुनिया भर में टेक्नोलॉजी बेस्ड ट्रीटमेंट का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत भी चिकित्सा क्षेत्र की नई तकनीकियों को अपनाने में पीछे नहीं है। खासकर रोबोटिक सर्जरी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के इनोवेशन चिकित्सा के क्षेत्र में वरदान साबित हो रहे हैं। खासकर रोबोटिक बाईपास सर्जरी का चलन तेजी से बढ़ा है। वहीं जटिल रोगों के साथ डिप्रेशन से जुड़ी बीमारी को ठीक करने में भी डॉक्टर AI की मदद ले रहे हैं। सबसे पहले रोबोटिक सर्जरी की बात करते हैं। खास तौर पर बाईपास सर्जरी किडनी, प्रोस्टेट, इसोफेगस, लीवर, गर्भाशय, बड़ी आंत और लिम्फ नोड्स के कैंसर के मामलों में रोबोटिक सर्जरी के अच्छे नतीजे सामने आए हैं। जो हार्ट के मरीज मोटापे के शिकार होते हैं, डॉक्टर उन्हें रोबोटिक आर्म्स के जरिए सर्जरी की सलाह देते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसमें मरीज की बॉडी में ज्यादा चीरफाड़ नहीं करनी पड़ती, महज 6 सेंटीमीटर के हेयरलाइन चीरे के जरिए ये सर्जरी हो जाती है। और तो और मरीज की बॉडी से ज्यादा खून भी नहीं निकलता और मरीज की रिकवरी तेजी से होती है, यानी मरीज को ना तो ज्यादा दर्द ही सहना पड़ता है और ना ही ज्यादा दिन तक अस्पताल में रहना पड़ता है। रोबोटिक सर्जरी से डॉक्टर्स की दिक्कतें कम हुई हैं। सर्जन की कलाई कंधे कोहनी की एक निश्चित सीमा तक ही पहुंच होती है, ये एक दायरे में ही घूम सकते हैं, जबकि रोबोटिक आर्म्स 360 डिग्री मूवमेंट कर सकते हैं। इससे मरीज के शरीर के मुश्किल हिस्सों तक आसानी से पहुंच बन पाती है जहां सर्जन के हाथ नहीं पहुंच पाते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इससे डॉक्टर्स की भूमिका कम हो जाएगी। दरअसल रोबोटिक सर्जरी में डॉक्टर के जरिए सेट प्रोग्राम पर ही रोबोट ऑपरेशन करते हैं। वहीं दुनिया भर में मरीजों के इलाज में AI की मदद ली जा रही है। इसका एक ताज़ा मामला अमेरिका से है, जहां एक 4 साल का लड़का करीब 3 साल से बीमार चल रहा था। दांत दर्द होने के कारण का पता नहीं चल पा रहा था। बच्चे की माँ ने 3 साल में करीब 17 डॉक्टर को दिखाया, लेकिन बीमारी का सटीक पता नहीं चला। एक दिन बच्चे की माँ ने ChatGPT पर बच्चे की बीमारी के लक्षणों को डाला। ChatGPT से उस सिंड्रोम का पता चल सका जिससे बच्चा ग्रसित था। इससे बच्चे के इलाज में डॉक्टर को मदद मिली, यानी AI के डेटा के जरिए मरीज का बेहतर इलाज अब संभव है। फिलहाल आने वाले दिनों में नए मेडिकल इनोवेशन मरीजों के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। लेकिन याद रहे, डॉक्टर की जगह AI नहीं ले सकता। अगर कोई बीमारी है तो सबसे पहले डॉक्टर को दिखाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, Z Media।